लालू नीतीश के इतराज में स्कूल से डिग्री बंट रहा है और कॉलेज से डिग्री बंट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो चाहे लालू बन जाए कि मोदी बन जाए, आपके अंदर बच्चे को कोई कलेक्टर नहीं बना सकता। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर का भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल में हजारों लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिले के 16 प्रखंडों से हजारों लोग पहुंचे। प्रशांत किशोर के स्वागत में भागलपुर नवगछिया की सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों की लंबी कतार दिखी। भागलपुर की धरती पर प्रशांत किशोर का फूलों की माला और ढोल बाजे के साथ जय बिहार जय जय बिहार नारों के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं युवाओं ने सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली निकाली। नहीं जाना पड़ेगा, लालू नीतीश के इतराज में स्कूल से डिग्री बंट रहा है और कॉलेज से डिग्री बंट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो चाहे लालू बन जाए कि मोदी बन जाए, चाहे तेजस्वी बन जाए कि नीतीश बन जाए, आपके ऊपर बच्चे को कोई कलेक्टर नहीं बना सकता। इस बात को पहले आप समझिए, अपने बच्चे का ठिकाना ही नहीं है। सब लोग देश का विश्व गुरु बनाने के चक्कर में लगा, सब बड़े बड़े बात कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। तो अभी आपको पढ़ाई की बात बताए, दूसरी बात दूसरा रास्ता है खेती। कोई कह सकता है कि पढ़ाई लिखाई करके भी फायदा नहीं है, खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यही खेती करके हरियाणा पंजाब में लोग इतना राजा हो गए, बिहार में खेती से लोगों का जीवन क्यों नहीं सुधरा? वो इसलिए कि समाजवाद की जमीन पर 100 में 7 आदमी के पास बिहार में एक धूर जमीन नहीं है। ये आंकड़ा याद रखिए। यहाँ गरीब की बात हुई, सामाजिक न्याय की चर्चा हुई, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं किया गया। देश में 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है, बिहार में रहने वाले 100 में 7 आदमी के पास जमीन है ही नहीं। जिसके पास जमीन है ही नहीं, खेती करेगा कैसे? बच गए 40 लोग जिनके पास जमीन है। उस 40 में 35 आदमी ऐसा है जिसके पास 2 बीघा से कम जमीन है। इस दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार में किसानों की बदहाली पर कहा कि यहाँ गरीब की बात हुई, सामाजिक न्याय की चर्चा हुई, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं किया गया। बिहार में 100 में से 60 लोगों के पास जमीन है ही नहीं। जिनके पास जमीन है ही नहीं, वो खेती करेंगे कैसे? भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।